यत्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुगुरुकये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दनिवृत्तस्फुरदमृतगविः विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं शशङ्का ेशाबोधधारा विघटित निखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छंद प्रतिपदना सा मनोजया महा मुग्धम स्निग्धम मधुर मुरली माधुरी वीर नादी कारम कारम करणविवशम गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामम् कामम् व्रजजनमनोमोहनम् भुवनाङ्गम् चित्ते प्रियम् निवसतुमहो वल्लवी वल्लभुनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तो चित्ते नित्यम् निवसतुमहो वल्लवी वल्लभम् भगवान का स्वरूप परमानंद है और ऐसा परमानंद है कि सब जगह रहे, सब समय रहे, सब में रहे, जो बोले उसमें भी रहे और जिससे बोले उसमें भी, जो देखे उसमें भी और जो दिखे उसमें भी। तो ये जब आवरण भंग होता है तब शांत रूप में रहता है और जब वृत्ति में अवतीर्ण होता है तो इसका रूप नृत्यत हो जाता है, नाचता हुआ, थिरकता हुआ। हमारे जीवन में एक प्रेम का नृत्य प्रकट होता है, एक प्रेम का संगीत प्रकट होता है और जब ये वृत्ति से उतर के व्यावहारिक जीवन में आता है, व्यवहार में आता है, तो सारे विश्व को परमानंदमय बना देता है। आपको एक एक बात अलग अलग सुनाना समझाना शक्य नहीं है, परंतु आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं ये मन की रूक्षता के कारण है। हमारा मन बिल्कुल रूखा सूखा हो गया है और जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे बोलते हैं, ऐसे मनुष्य का खिसियाना मन दूसरे को नोचना चाहता है। अपनी खिसियाहट पर तो दृष्टि जाती नहीं, अपने मन का उद्वेग, अपनी रूक्षता वो तो मालूम नहीं पड़ती और वो दूसरों को दोष लगाता फिरता है। जब आदमी दूसरों पर दोष लगावे तो समझ लेना कि इसके अंदर हीनता का भाव इतना प्रबल हो गया है कि वो अपने को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, यही समझता है कि इनने हमको मार दिया, इनने हमको गाली दे दी, इनने हमारा अपमान कर दिया। वो स्वयं कितना छोटा हो गया है कि उसके ऊपर चोट पर चोट पड़ रही है। पागल आदमी पर कोई ढेला फेंक दे तो ढेला फेंकने वाले का क्या दोष है, खुद ही वो पागल हो गया है। शराब पी के कोई नाली में गिर पड़े और एक बाल्टी कोई गंदा पानी और डाल दे तो तुम जहाँ पड़े हो उसके अनुरूप ही काम किया उसने। तो ये तो हम देखते नहीं कि हम गंदी नाली में पड़े हैं, हम कूड़े पर बैठे हैं, हम अत्यंत दीनहीन हो गए हैं, हम खिसियाने हो गए हैं, इस पर तो नजर नहीं जाती। नजर जाती है वो हमको टेढ़ी नजर से देख गया, वो हमको गाली दे गया, वो हमको मार गया, वो नुकसान कर गया। एक पागल हमारे पास आया था, हमारा पागलों से बहुत काम पड़ता है, बोला एक पागल ने तो हमारा हाथ ही तोड़ दिया। बरसों तक हमारे बाएं हाथ की मालिश होती रही बरसों। तो वो कहता था कि ये जो चिड़िया बोल रही है ये सब हमारे दुश्मन ने हमारे पीछे शैतान लगा दिए हैं, ये चिड़िया चहक नहीं रही, हमको लगे कि चिड़िया संगीत गा रही है, चहक रही है। और वो कहे कि ये हमारे दुश्मन ने शैतान हमारे पीछे लगा दिए हैं, देखो आपके पास आया तो यहाँ भी आए हैं, ये सब शैतान बैठे हैं। तो वो सब शैतान नहीं थे, उसके मन की बदमाशी थी। तो ये तो हम देखते नहीं कि हमारे आत्मा के रूप में परम शांत परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर बैठा हुआ है,
ये तो हम देखते नहीं कि हमारी वृत्ति में उस परमानंद का अवतरण हो गया है। अवतार होता है नाचने वाला, गाने वाला, बजाने वाला, नृत्यक। वृत्ति चूंकि नाचती है इसलिए उसमें प्रकट होता हुआ जो प्रेम है वो भी नाचता है। प्रेम की बोली में संगीत है, प्रेम की चाल में नृत्य है। ये नृत्य और कोई चीज नहीं है, वो प्रेम के व्यवहार में वो कंपन है। जब प्रेम होठों पर आता है तो होठ की एक एक जो कली है अलग अलग वो नृत्य करने लगती है। जब वाणी पर आता है तो वाणी मधुर हो जाती है। तो वो किसी किसी के लिए नहीं, सबके लिए हो। और जब वो व्यवहार में उतरता है तो आप देखो, जहाँ प्रेम का उदय होने वाला होता है वहाँ पहले विश्रम माने विश्वास का उदय होता है। प्रेमा उदेश्य माना चित्तम विश्रम भयति। जिसके हृदय में प्रेम उदय होने वाला होता है उसके चित्त को विश्वास से भर देता है। स्नेहयति, उसको घी सरीखा, मक्खन सरीखा कोमल बना देता है। प्रणयति, उसमें एक विशिष्ट आकृति भर देता है, वो सुंदर वो मधुर, जब आंख बंद करो प्रियतम का दर्शन होने लगे। जनिष्यमाण प्रेमा, उदेश्यमाण प्रेमा, चित्तम विश्रम्भयति, स्नेहयति, प्रणयति, वक्रयति। टेढ़ा भी बना देता है। प्रेमी लोगों की आंख सीधी नहीं रहती है, बुलाओ तो भाग जाए और कहो कि हमारी ओर देखो तो मुंह फेर लें। ये जो बकरीमा आती है, टेढ़ापन आता है, इसको मान बोलते हैं। वक्रयति, रंजयति, वो रंग चढ़ाता है हृदय में कि उसी उसी की तस्वीर दिखे और रंगीन प्रेम भरी तस्वीर दिखे। अनुरंजयति, उससे हम भी उसी के रंग में रंग जाते हैं। मादयति, मोदयति, पागल बना देता है और पर्व आनंद में डुबो देता है। ये प्रेम की स्थितियां हैं, ये प्रेम का शास्त्र है, ये प्रेम का मनोविज्ञान है। जब काम हृदय में उत्पन्न होने वाला होता है तो वासना के वेग से वो दिल को निकाल कर दूसरे के घर में फेंक देता है और वासना के कारण मनुष्य जलने लगता है और मिले तो लोभ बढ़ता है और न मिले तो क्षोभ का उदय होता है। प्रेम की पूर्ति में तृप्ति होती है और काम की पूर्ति में ग्लानी और श्रांति होती है। काम की पूर्ति में तमोगुण आता है और प्रेम की पूर्ति में सच्चिदानंद परमेश्वर का प्रकाश होता है। आओ अब प्रेम के संबंध में दो बात और सुना। हम कोई विश्व का साहित्य पढ़ते हो तो बात नहीं है, हम तो संस्कृत हिंदी छोड़ के दूसरी भाषा भी नहीं जानते हैं। और ये दावा क्या बिल्कुल इसका कोई कल्पना इसकी नहीं है कि विश्व में प्रेम के बारे में और काम के बारे में कितना अनुसंधान हुआ है। क्योंकि लोग विषय वस्तु का, दृश्य वस्तु का, स्थूल वस्तु का अनुसंधान करते हैं और मनोवैज्ञानिक लोग भी जो हमारे अनुसंधान करते हैं वो जागृत स्वप्न की वृत्तियों का ही अनुसंधान करते हैं, यथा कथंचित सुषुप्ति का। वो मूड वृत्ति को जानते हैं, क्षिप्त वृत्ति को जानते हैं, विक्षिप्त वृत्ति को जानते हैं, परंतु एकाग्र और निरुद्ध वृत्ति के संबंध में उनका अनुसंधान बहुत थोड़ा है। बल्कि निरुद्ध वृत्ति के बारे में तो हमारे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बिल्कुल शून्य है, एक सिफर भी देने योग्य उनका अनुसंधान और ज्ञान नहीं है निरुद्ध वृत्ति के संबंध में। तो आओ प्रेम के संबंध में भागवत का एक प्रश्नोत्तर आपको सुनाते हैं। गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया। आप ये मत समझना कि गोपियां कोई अज्ञानी थीं या संशयालु थीं। और जैसे निद्रालु शब्द होता है ना, वैसे संस्कृत में संशयालु शब्द भी बनता है। सिंह स्वप्न धातु से शयालु बनता है, निद्रालु, शयालु, दयालु। न गोपियां संशयालु थीं और न तो वे अज्ञानी थीं। प्रश्न उदय होता है तब जब विषय संदिग्ध हो या अज्ञात हो। जो वस्तु स्फीतालोक मध्यवर्ती घट के समान स्पष्ट होता है उसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता है।
और जिससे किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती उसके संबंध में भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। यथा फीता लोक मध्यवर्ती घटा करट दंतावा, कौवे के कितने दांत हैं? ये आपने कभी किसी से पूछा है? अरे पूछ के क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है, प्रयोजन नहीं है। तो गोपियों का जो प्रश्न है वो अज्ञान मूलक नहीं है, संशय मूलक नहीं है, प्रेम मूलक है। कि ये प्रेम मूलक प्रश्न कैसा होता है, बिहारी का एक दोहा आपने सुना होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनि हसे देन कहे नट जाए। लाल के साथ बतरस की लालच है, किसी तरह से इनके साथ उलझें, दो दो बात करें, इनकी बात हमको सुनने को मिले और उसी बहाने इनके मुंह की ओर देखने को मिल जाए, इनकी आंख से आंख मिलाने को मिल जाए। इनके हृदय में कितनी उदारता है, कितना उदात्त है इनका हृदय, कब वो प्रकट हो जाए, हमसे कितना प्रेम है वो अपने कान से सुनेगी तो हमको बड़ी तृप्ति मिलेगी। इस दृष्टि से ये प्रश्न है, वो अज्ञान से संशय से नहीं है। बतरस लालच लाल की, लाल से बतरस की लालच है, मुरली धरी लुकाए बांसुरी छिपा के रख दे। गोपिय किमाचरदयम् कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधाम गोपिका नाम भुंते स्वयं यदवर्षिष्ठ रसम हृदिन्यो हृष्य त्वचो श्रुम मुचुः तरवो यथार्याः। अरे सखी, इस बांसुरी ने क्या तपस्या की है, गोप्यः अयम वेणुर गोप्यः, आओ इस वेणु को छिपा दें, छिपा दें। हे गोप्यः अयम वेणु किम कुशलम आचरत स्म नाचरत, इस वेणु ने क्या कोई पुण्य किया है या नहीं किया है, कहा आओ इसको छिपा दें। गोपियों ने जाके एकांत में पूछा, क्योरे वेणु तूने क्या पुण्य किया है कि श्याम सुंदर इतना प्रेम करते हैं, तुझे सोते समय अपने पलंग पर लेके सोते हैं, फेंटे में लगा के चलते हैं, अधरों का अमृत पिलाते हैं, क्या पुण्य किया है तूने? मुरली ने कहा, मैं क्षुद्र वंश की वंशी हूँ, मेरा वंश तो बड़ा क्षुद्र है, जात पात ऊंची नहीं है, बांस वृक्षों में निम्न जाति का है, छिद्रों से भरा हुआ है तन और हमारे शरीर में छेद ही छेद हैं, गांठ है, ग्रंथि है, नीरस हूँ, सूखी हूँ, आग में जली हुई हूँ, मेरा मुख काला है, मेरे अंदर तो कोई विशेष नहीं है, कतत श्याम सुंदर तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? बांसुरी बोली कि शायद इसलिए करते हैं कि मेरे अंदर अपनी सांस नहीं है, अपनी वासना नहीं है, अपना संकल्प नहीं है, हमारा दिल खाली देख करके शायद श्याम सुंदर अपनी सांस से मुझे जीवित करते हैं और अपने स्वर से मुझे भरते हैं। आप भी अपना दिल खाली करके देखिए, भगवान की सांस को अपने हृदय में आने जाने दीजिए और भगवान की स्वरलारी को अपने हृदय में गूंजने दीजिए, आपका हृदय वंशी हो जाएगा, वंशी। जात हर्ष उपरम्भति विश्वाम, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे चपत खाती है, भौहनी हसे भौहों से हंसती है, देन कहे देने का वादा करती है और नटी जाए मना कर देती है। एक दोहा हो, जरा सा दोहा और कितनी बात इसमें कही गई है। तो गोपियां जो श्री कृष्ण से प्रश्नोत्तर करती हैं, ये नहीं महाराज क्या पूछें, हमारे मन में तो कोई शंका ही नहीं है, अरे शंका नहीं है तो क्या हुआ, बात करने का बहाना तो है। ये प्रेम जो है ये बात करने का अवसर निकाल लेता है। तो गोपियों का प्रश्न सुनाते हैं, उनकी पृच्छा, उनकी विपृच्छिषा का मूल है प्रेम। आओ पूछती क्या है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, भजतो नुभजन्ति के, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, एक एतद् विपर्ययम्, कोई ऐसे हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, नो भयाश्च भजन्ति अन्ये, कोई कोई ऐसे होते हैं दुनिया में कि जो प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते। ए तन्नो ब्रूहि साधु हो, कृष्ण बताओ तो सही इन तीनों में से कौन अच्छा है। प्रेम का स्वरूप आप प्रश्न का स्वरूप समझ गए, प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाला
प्रेम न करने वाले से प्रेम करने वाला और दोनों से प्रेम न करने वाला, इन तीनों में कौन सा श्रेष्ठ है, ये है प्रश्न का स्वरूप। अब आप अपने अपने मन में इसका उत्तर सोचिए। यह है प्रेम विषयक प्रश्नोत्तर। इसका प्रेम विषय है और तीन प्रकार के प्रेमियों में से कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ, ये है संशय का स्वरूप। इसका पूर्व पक्ष होता है कि प्रेम करने वाले से या न करने वाले से भी प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है, यह है पूर्व पक्ष। और जो अपने आप में तृप्त है, किसी से प्रेम नहीं करता, वो श्रेष्ठ है, यह है उत्तर पक्ष। और सिद्धांत क्या निकाला है महाराज, बड़ा ही अद्भुत। ये अधिकरण आपको प्रेमाधिकरण, ये भागवत दर्शन का प्रेमाधिकरण है। प्रेमाधिकरण भागवत है दर्शन और उसमें ये है प्रेमाधिकरण। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत। जैसे कोई कोई दावा करे अदालत में अमुक विषय पर, क्या चाहता है, उसका पक्ष क्या है, प्रतिवादी उसका उत्तर क्या देता है, दोनों की के बयान मिला करके उसमें से सिद्धांत क्या निकलता है, बयान तनखीह करने के बाद जज फैसला क्या लिखता है। तो आओ अब ये प्रेम का फैसला देखो, कौन करता है ये निर्णय, न्याय। न्याय क्या निर्णय है, बोले जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, मिथो भजन्ति जे सख्यः स्वार्थै कान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा। जिनका प्रेम मिथ्या है, ये मिथ्या शब्द जो है ये वेदांतियों का मिथ्या बन जाता है, बोला यही वेदांतियों का मिथ्या बनता है मिथ्या, और यही मैथालोजी बन जाता है वो। तो ये तो भाई उनके घर में ब्याह हुआ तो लड्डू भेजे थे, कहाँ भेजे थे, कहा हमारे घर में ब्याह है तो हम भी उनके घर में लड्डू भेजेंगे, पर कितने, जरा बही खाता निकालो, लिख के रखा होगा, उन्होंने चार भेजे थे तो हम भी चार ही भेजेंगे, न तीन न पांच, जितने आए थे उतने भेजेंगे। ये जो लेन देन का सौदा है, ये जो सौदेबाजी है, ये जो व्यापार है कि उन्होंने हमसे मीठा बोला तो हम मीठा बोलेंगे है? और उन्होंने कड़वा बोला तो हम भी कड़वा बोलेंगे, उन्होंने हमारे घर में आग लगाई तो हम भी उनके घर में आग लगाएंगे। ये जो बदले का सौदा है वो कहते हैं मिथो भजन्ति जे सख्यः स्वार्थै कान्तोद्यमाहिते। उनका सारा उद्योग स्वार्थ परायण है, चार लड्डू के बदले में चार लड्डू। न तत्र सौहृदं धर्मः, वहां न सौहृद है, सौहृद के लिए सौहार्द शब्द है, सौहार्द द के नीचे रेप नहीं होता है, द के ऊपर रेप जाता है और द शब्द बिल्कुल पूरा रहता है। जो लोग हिंदी में द के नीचे रेप लगा देते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये सौहार्द जो शब्द है सौहृदम होता है या सौहार्द होता है, सौहृद या सौहार्द, सौहार्द्र नहीं होता, वो आर्द्रक में अदरक में जो आर्द्र है आर्द्र वैसा नहीं होता। तो न तत्र सौहृदम, उसमें हृदय की स्वच्छता, सुष्ठुता, सम्यक्ता, सुंदरता नहीं है हृदय में। न तत्र सौहृदम, न धर्म और न धर्म है, वो जो चार लड्डू के बदले में चार लड्डू देता है वो तो व्यापार है। तो बोले अच्छा, बिना ये विचार किए कि इसने हमारे साथ क्या किया है, अपने सहज स्वभाव से जैसे मृत्तिका मिट्टी जैसे हरियाली देती है, जैसे जल तृप्ति देता है, जैसे सूरज प्रकाश देता है, जैसे चंद्रमा आह्लाद देता है, वो बराबरी की अपेक्षा नहीं रखता है, सापेक्ष नहीं है, ऐसे जिसका जीवन ही प्रेम है। और जीवन प्रेम कब होगा, जब अंतःकरण प्रेम होगा, और अंतःकरण प्रेम कब होगा, जब आत्मा के आनंद रूपता पर जो आवरण है वो भंग हो जाएगा, परिच्छिन्नता का पर्दा फटा, परिच्छिन्नता की जवनिका हटी, माया जवनिका हटी और आनंद वृत्ति में उतरा, वो जीवन में आया और वो तो तन्मात्रा के रूप में निकलने लगा। आज के वैज्ञानिकों ने
यहाँ तक खोज कर ली है कि प्रत्येक शरीर के चारों ओर एक मंडल रहता है उसके भावों का, तन्मात्राएं निकलती हैं उसके शरीर से, उसका फोटो भी लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें से ये निकालते हैं कि किसी किसी के शरीर में से ऐसी तन्मात्रा निकलती है कि वो छू जाए तो रोग दूर हो जाए, वो छू जाए तो दुख दूर हो जाए, परंतु किसी किसी का शरीर ऐसा भी हो सकता है कि उसके स्पर्श से या उसके मंडल में आने से मनुष्य की सारी शक्ति खींच जाए और वो मर भी जाए। ये ब्रह्म स्पर्श का विकिरण होता है परमानंद, ये बिखरता है, बिखरता है जीवन में। कोई भी हो उसको प्रेम की आंख से देखो, ये मत देखो कि इस देश का है कि दूसरे देश का है, इस जाति का है कि दूसरी जाति का है, हमको गाली देता है कि हमारी प्रशंसा करता है, तुम अपना स्वभाव मत छोड़ो। काशी में पंडित विदत्त शर्मा गंगा स्नान कर रहे थे, विदत्त शर्मा गंगा स्नान कर रहे थे, बिच्छू ने डंक मार दिया उनके हाथ में, उठा लिया, करे इस बेचारे को किनारे रखते हैं, फिर डंक मारा, हाथ कांप गया, गिर गया, 9 बार उन्होंने उठाया और 9 बार उसने हाथ में डंक मारा। एक ने कहा क्या बेवकूफी कर रहे हो मूर्ख, उन्होंने कहा कि ये जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है डंक मारने का, तो मैं मनुष्य होके, एक विद्वान होके, मनुष्य होके, समझदार होके, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? यदि इसका स्वभाव है डंक मारना तो मेरा स्वभाव है इसको बचाना, प्रेम करना आपका स्वभाव है, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वभाव है, वो आपका अंतःकरण है, वो आपका जीवन है, इसलिए आप अपने प्रेम को उन्मुक्त उन्मुक्त बिखरने दीजिए। न तत्र सहृदम धर्मः, बोले भाई वो कौन है जो सहज स्वभाव से प्रेम करते हैं? भजन त्यभजतो जीवई करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमाः। जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं वे तो बड़े महान हैं। वे दो तरह के होते हैं, उभय करुणा संतः, एक संतों की पार्टी होती है, और एक पितरः, एक होते हैं माता पिता। ये संत जनता के गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, वो तो उसके ऊपर प्रेम बरसते हैं। तो ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये भेद संत के हृदय में नहीं होता। ये पतित है और ये उत्कृष्ट है, ये पतित है और ये अभ्युत्थित है, पतित माने गिरा हुआ, अभ्युत्थित माने उठा हुआ, ये भेद नहीं होता संतों के हृदय में, वो तो अपना प्रेम सबके ऊपर बरसते हैं। अप्रेक्ष्य क्लममात्मनो विदधति प्रीतिया परेषां प्रियम्, अपनी क्लांति की ओर, अपनी श्रांति की ओर, अपनी थकान की ओर नहीं देखते हैं, वो तो प्रेम से सबका भला करते हैं। भवभूति ने संत का लक्षण बताया, प्रिय प्राया वृत्तिर विनय मधुरो वाचि नियमः प्रकृतिया कल्याणी मतिरनवगीत परिचयः पुरोवा पश्चादवा तदिदमविपर्यासितरसं रहस्यं साधूनां निरुपाधि विशुद्धां विजयते। ये साधु जीवन का, संत जीवन का ये रहस्य है। प्रिय प्राया वृत्ति है, उनकी वृत्ति में हमेशा तृप्ति, हमेशा प्रियता, जिसको देखते हैं उसी को अपनी प्रियता से सराबोर कर देते हैं, आप्यायित कर देते हैं, आप लावित कर देते हैं। विनय की मिठास होती है उनके जीवन में, वाणी में नियमन होता है, स्वभाव से सबका कल्याण चाहते हैं वो, उनका परिचय कभी निंदित नहीं होता, जो उनके परिचय में आता है वो अनिंदित हो जाता है, और जैसा पहले दिन वैसा आखिरी दिन, आदि में अंत में सदा एक रथ, ये संत के जीवन का रहस्य है। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक सुरहुदात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण और दोष पर दृष्टि नहीं डालना, सबके ऊपर अपने प्रेम की वर्षा करना, क्योंकि वे करुणा की मूर्ति हैं, उनके हृदय में कारुण्य की धारा बह रही है। जब हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि माता तुम कहो तो ये राक्षसियाँ जिन्होंने तुमको बहुत कष्ट दिया है, किसी को लात से रौंद दें, किसी को नाखून से नोच लें, किसी को काट लें, किसी के बाल उखाड़ लें, तुम आज्ञा तो करो। अरे जानकी जी बोले कि हनुमान क्या बोलते हो, क्या इससे राम की कीर्ति होगी?
क्या इससे तुम्हारा संत स्वभाव प्रकट होगा? पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्जेण न कश्चित नापराध्यति। वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी बोल रही हैं, कार्यम कारुण्यमार्जेण कार्यम करुणमार्जेण न कश्चित नापराध्यति। दुनिया में ऐसा कौन है जो अपराधी नहीं है? ये ईसा से बहुत पहले का है, वाल्मीकि रामायण है, ये ईसा से बहुत पहले का है। न कश्चित नापराध्यति, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपराध नहीं किया हो, इसलिए अपराधी पर भी अपनी करुणा की वर्षा करना ये संत का स्वभाव है। करुणा पितरो यथा, और माता पिता जब देखते हैं कि हमारा बालक दुख में पड़ा है तो अपनी छाती से छिपा लेते हैं, खुद भूखे रहकर उसको खिलाते हैं। इसका बुखार हमको आ जाएगा, इसकी परवाह नहीं करते। बच्चा लात मारता हो, दांत से काटता हो, बाल खींचता हो, गाली देता हो, तब भी कहते हैं कि अरे ये अज्ञान है, ये बालक है। माता पिता का हृदय करुणा से परिपूर्ण होता है। बोले देखो ऐसा जो प्रेम है वो कैसा है कि धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च। ये निरपवाद धर्म है, इस धर्म में कोई कलंक नहीं है। जहाँ पार्टी बंदी आ गई धर्म में, गुटबंदी आ गई, जैसे डाकू लोग अपना गुट बना लेते हैं कि आपस में ईमानदार रहेंगे, उनकी ईमान कितनी तो वो 20-30 का जो गुट होता है उसमें। चोर लोग अपना गुट बना लेते हैं, हम 5-4 आपस में ईमानदार रहेंगे भाई, बेईमानी नहीं रहेंगे। तो जो एक गुट के प्रति ईमानदार है और दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं है, उसकी ईमानदारी संकीर्ण है, संकुचित है, वास्तविक नहीं है। ये संत का स्वभाव होता है, ये माता पिता का स्वभाव होता है, ये सच्चा प्रेम है। दुनिया उनको माने न माने, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। बच्चे उनको माने न माने, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। अभी हुआ भाई, कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं, तीसरा प्रश्न, कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, उनके अंदर असंगता का आविर्भाव हो जाता है। बोले असंगता का आविर्भाव भी गुण और दोष दोनों से होता है। भजतो पिन वही के चित भजंत्य भजत कुतः आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः। बोले भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो कौन है? आत्मा रामा, जिनका सारा आराम अपने में है। ये देखो विचित्र है शब्दों की लीला। ये आराम शब्द है ना, बगीचे के लिए आराम शब्द आता है ना, आराम बोलते हैं, परम रम में आराम यह जो राम ही सुख देत। अब देखो ये आराम शब्द जो है ये अधिकरण में घए है, वो आरमंति अस्मिन इति आरामा। ये देखो आ उपसर्ग लगने पर रम धातु जो है वो अपने आत्मने पदी रूप को छोड़ देता है, परस्मयी पदी हो जाता है। हाँ व्यांग परिभ्यो रमा, तो आरमंति अस्मिन अधिकरण में घए प्रत्यय हो गया, जिसमें सब लोग आनंद लेते हैं वो आराम है। और जब अभिराम होता है ना अभिराम, तब अभिरमणम अभिरामः, वहाँ भाव में ही गए हो जाता है। परंतु जब राम शब्द आता है, राम शब्द तो नारायण अभ्युत्पन्न पक्ष में राम शब्द को कर्ता मानते हैं, और कर्ता में गए प्रत्यय नहीं होता है, अभ्युत्पन्न पक्ष में मानते हैं। और नहीं तो फिर रमंते अस्मिन करके राम शब्द बनाते हैं, वो उनका एक ढंग निराला है, व्युत्पत्ति पक्ष में लेते हैं। अब देखो आपको आत्मा रामा, जिनका बगीचा आत्मा है, आराम अवश्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन, कोई उसको नहीं देखता जिसका ये बगीचा है। तो ये सारा जो विश्व प्रपंच रूप बगीचा है वो अपने आप में ही है, संपूर्ण विश्व को जो अपना विलास देख करके अपने में बैठा हुआ है, उसका खाना, उसका पीना, उसका बोलना, उसका चलना, जक्षण जक्षण क्रीडन, जक्षत शब्द होता है लौकिक व्याकरण से, श्रुति में जक्षत है, जक्षण जक्षण वो श्रुति में है और लौकिक में जक्षत होता है, जक्षण क्रीडन रममानः। तो ये चाहे खा रहा है, खेल रहा है, विहार कर रहा है, परंतु कहाँ है? बोले अपने आप में, अपने आप में खा रहा है, अपने आप में विहार कर रहा है, अपने आप में रमण कर रहा है। आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन है आत्मा रामा। बोले उसको दूसरे का ख्याल ही नहीं, कौन प्रेम करता है कौन नहीं करता है, ऐसा। तो वे लोग प्रेम करने वाले न करने वाले दोनों को एक तरीका देखते हैं, कोई खिला गया बोले बहुत बढ़िया,
था और किसी ने भूखा रख दिया, बोले भाई आज एकादशी होगी, हमको तो तिथि तिथि का मालूम नहीं है, आज एकादशी होगी। आत्मा रामा याप्त कामा, जिनकी कामना पूर्ण हो गई है, ये दोनों आत्मा रामा प्रपंच उसका विस्मरण है, प्रपंच का विस्मरण है, और आप्त कामा हाँ चतुर्थ भूमिका में स्थित कोई तत्वज्ञ है, और अकृतज्ञा हाँ जिनके हृदय में कृतज्ञता नहीं होती, और गुरु द्रुहा हाँ गुरु यथास्यात तथा दृश्यन्ते, गुरुभ्यो दृश्यन्ति नहीं है, गुरु यथास्यात तथा दृश्यन्ते, बड़े भयंकर अपराधी है वो महाराज, प्रेम करना न करना किसी को नहीं देखते हैं। गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्यों गोपियों सखियों ये कृष्ण आत्मा राम है, राम राम ये आत्मा राम काहे का, ये गवार ग्वाल, बोले इसके भीतर तो आराम नाम की चीज ही नहीं है, कितना नटखट कितना छलिया कितना छेड़छाड़ करने वाला ये क्या आत्मा राम है। बोले तो आप तो काम होगा कहे गोपियों के पीछे पीछे क्यों घूमता है, बोले को अकृतज्ञ होगा करे इसको तो सब याद रहता है, तब ये गुरु ध्रुक है, गुरु ध्रुक है बड़ा भयंकर अपराधी है, हम इतना प्रेम करें और ये हमको छोड़ करके चला जाए। अब कृष्ण ने कहा देखो अब प्रेम की बात सुनाते हैं आपको, ना हम तो सख्यो भजतो पी जंतून भजाम्यमीषा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे सच्चिंतयान्यन्यवृतो न वेद। आओ गोपियो मैं जो किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता हूँ, उसका अभिप्राय दूसरा है। देखो यहाँ प्रेम तत्व का निरूपण है, ये नहीं है कि प्रेम में हजारों रुपए दे दिए तो बड़ा प्रेम है, का प्रेम में खूब हाथ जोड़ा खूब छाती से लगाया खूब चुंबन किया का इसका नाम प्रेम नहीं है, वस्तु का नाम प्रेम नहीं है, क्रिया का नाम प्रेम नहीं है, का तो दिन रात उसी के ध्यान में रहेगा निरंतर ध्यान रखने का नाम भी प्रेम नहीं है, न प्रेम वस्तु में है न क्रिया में है और न निरंतर याद रखने में है। ये जो लोग महाराज चिट्ठी लिखते हैं ना कि हम 24 घंटे आपको याद कर रखते हैं, हाँ उनको न 24 घंटा मालूम है न याद रखना मालूम है, वो तो झूठ है महाराज, 24 घंटे आपकी याद में डूबा रहता हूँ, अरे भाई तुम बेवकूफ हो कि हमको बेवकूफ बना रहे हो, है ना सीधी बात है, कौन किसी को 24 घंटे याद करता है। देखो प्रेम का लक्षण न वस्तु है न क्रिया है न स्मृति है, प्रेम विस्मृति में भी रहता है, प्रेम खिलाने में नहीं है भूखे रखने में भी होता है, प्रेम पांव दबाने में नहीं दूर हट के बैठने में भी होता है, प्रेम तारीफ करने में नहीं निंदा करने में भी होता है, तारीफ प्रेम याद करते समय नहीं उसके लिए कुछ बना रहे हो दवा तैयार कर रहे हो और उस समय उसकी याद करें और दवा बनाना गड़बड़ा जाए, रोटी बना रहे हो और रोटी जल जाए तो उसका नाम प्रेम नहीं होता, उस समय रोटी को ही याद रखो उस समय दवा को ही याद रखो और प्रियतम को थोड़ी देर के लिए उनके रूम में रहने दो। तो वस्तु का नाम प्रेम नहीं है, क्रिया का नाम प्रेम नहीं है, स्मृति का नाम प्रेम नहीं है, तो प्रेम किसका नाम है, जदेव हिततमम तन्नो ब्रूहि। कौशिक की उपनिषद में कहते हैं कि जो हिततम है उसका नाम प्रेम है, हिततम हित रोटी बनाते समय भी प्रियतम के लिए हित का भाव है, विस्मृति में भी हित का भाव है, क्रिया निष्क्रियता में भी प्रेम का भाव है और वस्तु देने न देने में भी हित का भाव है, जहाँ माँ अपने बच्चे को हलवा पूरी खिलाती है वहां भी हित है और जहाँ सूप पिलाती है वहां भी हित है और जहाँ भूखा रख देती है वहां भी हित है और उसको चपत लगाती है वहां भी हित है छाती से लगाती है वहां भी हित है। प्रेम का प्रेम जो है उसमें हित व्यापक है और प्रेम जो है क्रिया जो है वृत्ति जो है और वस्तु जो है उसमें हित हित व्यापक है, हित व्यापक है और स्मृति क्रिया भाव व्याप्य है व्याप्य, इसलिए जहाँ हित है वहाँ प्रेम है, हित होना ही प्रेम है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करता, प्रेम करता हुआ नहीं दिखता, इसमें तुमको मालूम नहीं है गोपियो, ना हम तु सख्यो भजतो भी जंतून भजामी अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, बाहर बाहर रह के मैं प्रेम करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अपने प्रेमी के हृदय में घुस जाऊं, उसके भीतर प्रवेश करने के लिए मैं बाहर से प्रेम नहीं करता।
तो ये क्या बात है कि जथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्यवृतो न वेदो। जैसे किसी को कोई गरीब हो पहले और उसको मिल जाए धन, तो पहले तो धन के लिए उसको कोई प्यास नहीं थी, कोई लालसा, कोई पिपासा नहीं थी, लेकिन जब धन मिल गया तब उससे मोह हो गया और फिर धन खो गया। खो गया तो तच्चिन्तया निवृतः अन्यत न वेद, उस धन की चिंता से ऐसा व्याकुल हो जाता है कि दूसरी किसी वस्तु का स्मरण ही नहीं रहता। तो गोपियों, मैं एक बार मिलकर जो अंतर्धान हो जाता हूँ उसमें हमारा हित देखो, कि जब मैं मिलता हूँ तो बाहर से मिलता हूँ और जब अंतर्धान होता हूँ तो अंतरहित हो जाता हूँ, भीतर प्रवेश कर जाता हूँ और फिर तो मैं ही मैं रहता हूँ उसके जीवन में। मैं जानता हूँ तुम्हारा मुझसे कितना प्रेम है। एवं मदर्थो चित लोक वेद स्वानाम इवो मई अनुवृत्त बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूहितुम मारहत तत् प्रियम प्रियाः। मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे लिए उज्जित लोक वेद स्वानाम, तुमने मेरे लिए लोक व्यवहार छोड़ दिया, वेद व्यवहार छोड़ दिया और आत्मा और आत्मीय, देह और दैहिक संबंध का परित्याग कर दिया, अपना धन छोड़ दिया, जाति छोड़ दी, अपने सगे छोड़ दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। आत्मा शब्द का चारों अर्थ है आत्मा, आत्मीय, स्व शब्द का चारों अर्थ है आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन, चारों तुमने हमारे लिए छोड़ा। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए कितना त्याग किया है। ये प्रेम बड़ी विलक्षण वस्तु है। यदि ईश्वर के प्रेम में बाधक होकर धर्म आवे तो उसका नाम क्या होता है आपको मालूम है? उसका नाम वृषभासुर हो जाता है। वृषभ धर्म है परंतु भगवत प्रेम में बाधक है तो उसका नाम वृषभासुर हो जाता है। और यदि भगवत प्रेम में बाधक होकर के योग आवे, समाधि आवे, तब उसका नाम क्या है आपको बता दे, नोट कर लो उसका नाम। यदि भगवत प्रेम में बाधक होकर समाधि या योग आवे तो उसका नाम व्योमासुर हो जाता है। वो ग्वाल बालों को गुफा में छिपाता है, वो व्योम है, हृदयाकाश है, वो समाध्याकाश है। और यदि भगवत प्रेम में बाधक होकर के बेदई आ जाए तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम केशी हो जाएगा। हयातुर हिनहिनाता हुआ आया, हिनहिनाता हुआ। भगवत प्रेम में बाधक धर्म का नाम वृषभासुर है, भगवत प्रेम में बाधक वेद का नाम हयासुर है, केशी है, और भगवत प्रेम में बाधक योग का नाम व्योमासुर है। भगवत प्रेम में बाधक इंद्र को भ्रष्ट करना पड़ता है, भगवत प्रेम में बाधक ब्राह्मण को पश्चाताप करना पड़ता है। आप देख लो, भगवत प्रेम में बाधक इंद्र का इंद्रत्व क्षीण हो जाता है। ये भगवत प्रेम है, तो ये हित है। मैं पहचानता हूँ तुम्हारा कितना प्रेम है। तो मैं यनुवृत्तये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैं प्रेम के बदले प्रेम न कर रहा हूँ तो बात नहीं है, मैं प्रेमहीन तो कभी होता ही नहीं। प्रेम मेरा स्वरूप है, अमृत मेरा स्वरूप है, रस मेरा स्वरूप है, रसो वैसा, रस तो मेरा स्वरूप है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। परोक्षम भजता तिरोहितम, परोक्ष भाव से हमारा हित विद्यमान था। तुम हमारे गुण में दोष मत निकालो। अब देखो एक भगवत प्रेम की विलक्षण बात, क्या शालीनता है प्रेम की। जैसे प्रेम को देख के प्रेम बढ़ता है, प्रेम भीख मांगने से नहीं मिलता कि तुम हमको प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो, अरे चल भिखारी प्रेम लेने चला है। तो क्या आपको प्रेम लेना हो तो प्रेम दीजिए। जो प्रेम देता है उसको प्रेम मिलता है, और जो प्रेम मांगता है, भिखारी की झोली में प्रेम नहीं जाता है, प्रेम बांटने वाले की झोली में प्रेम जाता है। ये प्रेम लेगा तो बांट देगा। परंतु देखो श्री कृष्ण की शालीनता, वो हृदय की कोमलता, ये प्रेम का उद्दीपन है, इसका नाम है प्रेम का उद्दीपन। न पार ये हम निरवत्य संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुधायुषा पिबह यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संवृष्ट्य तद्वह प्रतियातु साधुना। न पार ये हम, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पीतांबर भरा
पीताम्बरम से काम चलता है वो धारा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते ही हैं जब बहुव्रीहि समास कर देंगे तो पीताम्बर माने भगवान हो जाता है। पीतम अम्बरम जस्य, जिसका पीला कपड़ा उसका नाम पीताम्बर। तो धरा काय तो बोले हाथ में जो दुपट्टा था ना उसको जैसे कोई कर्जदार अपने ऋणदाता के सामने हाथ में दुपट्टा लेकर के अपनी असमर्थता को प्रकट करे, वैसे हाथ में पीताम्बर धरा, पीताम्बरम धरा थी हाथ में पीताम्बर। नहीं तो महाराज ऐसे व्याकुल हुए गोपियों के प्रेम में कि पीताम्बरम धरायाम जस्य, धरती पर गिर पड़ा हो पीताम्बर संभालने की याद नहीं रही। नहीं तो पीताया श्री राधाया अम्बरम धरती थी, अपना वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, श्री राधा रानी का पीत वर्णा जो श्री राधा हैं उनका वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीताया पुनः पुनः पीतामृताया, जिनकी अथरामृत का पुनः पुनः पान किया है उनका वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो देखो हमारे पास तो अपने को ढकने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है, तुम्हारे ही कपड़े से हम आच्छादित हैं, हमारी प्रतिष्ठा हमारा आदरण हमारी इज्जत तुम ही हो पीताम्बर धरा, न पा रहे हम तुम्हारे प्रेम से कभी हुरिण नहीं हो सकते। क्यों कन्यावत्य संजुजाम, तुमने हमारे साथ निष्कपट प्रेम किया है। निष्कपट प्रेम में निष्कपटता जो है ये बड़ी मुश्किल है। वो कैतव रहितम प्रेम न भवति मानुषे लोके, निष्कपट प्रेम धरती में नहीं होता। यदि भवति कस्य विरह, यदि निष्कपट प्रेम धरती में हो तो विरह किसको होगा। सती वा विरहे को जीवती, यदि विरह हो जाए तो जिंदा कौन रहेगा। तो निष्कपट प्रेम होना बड़ा मुश्किल, और यहाँ भगवान प्रमाण पत्र दे रहे हैं। निरवध्य संयोजाम, तुम्हारे संयोग में कोई अवध्य नहीं है। दो खंडने अवध्याति, जो दिल को तोड़ दे हो वैसी कोई बात तुम्हारे प्रेम में नहीं है। अवध्यात निष्क्रांत, अवध्य से निष्क्रांत है तुम्हारा प्रेम। निरादय अक्रांता अध्यर्थे पंचम्या, निष्क्रांत है तुम्हारा प्रेम अवध्य से। तो हम यदि ब्रह्मा की आयु से अपने अनंत आयु से भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहें तो नहीं चुका सकते। अरे महाराज देखो, जहां श्री कृष्ण झुके जब तन गए थे तब प्रेम अपनी जगह पर टिक गया था, और जब झुक गए तब मानो प्रेम का बांध ही टूट गया। प्रेम की धारा उच्छृंखल होकर निर्मर्याद होकर, जिसको मनुष्य रोक सके उसका नाम मर्यादा होता है। मर्यई ही आदियते, मर्यई ही मनुष्य ही मर्त्यई ही आदियते, इसी मर्यादा मनुष्य जिसमें रोक डाल सके उसका नाम मर्यादा होता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण झुक गए तो प्रेम के सारे बंधन टूट गए, निर्बंध निर्मर्याद उच्छृंखल प्रेम की धारा श्री कृष्ण की ओर बही, और भगवान श्री कृष्ण ने सासाम नारायण आदिर्भूत तो है ही है उनके बीच में, सासाम मध्य द्वयोर द्वयो हो प्रविष्टे न गृहीता नाम कंठे स्वनिकटम श्रेया। देखो गोपी है गोपी है गोविंद है, गोपी है गोपी है गोविंद है, द्वयो और द्वयो दो दो गोपी हैं, एक एक गोविंद है, एक एक गोविंद है एक एक गोपी हैं, एक गोविंद है अनेक गोपी हैं। तदे जति तन्नई जति तदूरे तदवंतिके, रास हो रहा है कंपमान है स्पंदमान है श्री कृष्ण नृत्य कर रहा है। तदे जति तन नहीं जति, कहीं अचल है स्थिर हो जाता है। तद दूरे नृत्य करते करते दूर जाता है, तदवंत के नृत्य करते करते निकट आता है। तदंतरस्य सर्वस्य गोपी जनस्य, वो संपूर्ण गोपी जनों के बीच में खड़ा होकर के जैसे सुमध्य मणि नाम महिमा नाम महामरकतो जथा, जैसे सोने के मणियों के बीच में कोई मरकत मणि हो नृत्य जिल मिल, उसकी जो जगमगाहट है वही उसका नृत्य है, उसकी जो झिलमिल ज्योति है वही नृत्य है, नाच रहा है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाज्यता, बाहर नाचता है भीतर नाचता है, ये देश हुआ हो दूर नाचता है निकट नाचता है, ये भी देश हुआ। हिलता है काल में और स्थिर रहता है अचल वस्तु के रूप में, वही देश है वही काल है वही वस्तु है वही स्वयं प्रकाश है, उसकी झिलमिल ज्योति ही, उसकी झिलमिल ज्योति ही हीरे की चिलक ही का उसका नृत्य है।
ये रस का उल्लास ही नृत्य है। नृत्यत ज्ञान ही कंपमान स्पंदमान ज्ञान ही नृत्य है, नाच रहा है श्री कृष्ण गोपिन के मध्य। राजय मुकुटमणि मुकुटक मुकुट लटक, ये नृत्य हो रहा है श्री कृष्ण का। ये क्या है? कि ये प्रेम ही है महाराज, जो परब्रह्म परमात्मा को नचा देता है। परब्रह्म परमात्मा को नाचने वाला किसने बनाया? कि प्रेम ने बनाया। नहीं तो वो तो अचल था, वो तो अकेला था, वो तो निर्गुण था, वो तो निराकार था, परंतु प्रेम ने निर्गुण को सगुण बना दिया, अचल को चल बना दिया, स्थिर को नर्तनशील, स्थिर को नट बना दिया नट, एक रूप को अनेक रूप कर दिया। इंद्रो मायावी पुरुरूप ये उसका प्रेम है। अच्छा आप कल्पना है।